अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समीर इस्माइल। ये मेरा YouTube का चैनल है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं यूएई रेजिडेंशियल वीज़ा, जो आउटसाइड यूएई में है, जिनको अब 31 मार्च के पहले यूएई लैंड करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट डेट अनाउंस हो गई है। तो मैं सोचा YouTube के थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। जो भी बंदा यूएई में आना चाह रहा है, जिसके पास एम्प्लॉय वीज़ा यूएई का है, वो जाके कोरोना की वजह से अपने अपनी कंट्री में फंस गया है, तो यूएई गवर्नमेंट ने 31 मार्च लास्ट डेट दिया है। उसके बाद वीज़ा कैंसिल होगा, वीज़ा वैलिड रहेगा, उसके बारे में अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल दूंगा क्या पब्लिश होता है पेपर में। तो इंशाल्लाह इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी बात, एक बंदे की अगर एम्प्लॉय वीज़ा है तो वो बंदा वापस अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रिकॉर्ड सिस्टम में रहता है कि इसका वैलिड वीज़ा है। वो भले से वीज़ा एक्सपायर हो गया, कोरोना की वजह से आदमी जाके फंस गया, वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला उसकी वजह से आ नहीं पाया, तो ये वैलिड अगर सिस्टम में है तो आप लोग विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। कि मेरा एक दोस्त बोला मुझे, ये इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एम्प्लॉय यूएई वीज़ा है और कोरोना की वजह से आप आ नहीं पाए, तो आप वो वैलिड अगर आपका सिस्टम में चेक करो, अगर वैलिडिटी नहीं है और कैंसल नहीं है, सिस्टम में शो कर रहा है, तो आप एम्प्लॉय वीज़ा विजिट वीज़ा आप नहीं इशू कर सकते, क्योंकि आपका सिस्टम में पहले से ही ऑलरेडी सिस्टम में आपका रिकॉर्ड रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह 31 मार्च जो भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आता है तो मैं आप लोग को तक पहुँचाऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं कमेंट के भी जवाब दूंगा, और सब्सक्राइब करें। और जो भी बंदा एम्प्लॉय वीज़ा में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अपनी अपनी कंट्री में है, जिसको वापस आना है, तो जल्द से जल्द करें 31 मार्च के पहले और यूएई में आके अपना काम ज्वाइन करें। बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना था, तो सोचा यूट्यूब के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा दूँ। जो भी मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी बंदा इसको भी नहीं देखा है तो उसको पता चले और जल्दी से अपनी 31 मार्च के पहले आ जाए। तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और दुआ में याद रखना, कोरोना से बचना और दूसरों को भी बचाना। अल्लाह हाफिज़।